कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने जब से भारत बचाओ रैली में सावरकर का जिक्र कर बीजेपी को घेरा है, तब से सियासत में हंगामा मचा है। इस बयान को लेकर बीजेपी के नेता तो बौखला ही रहे हैं, वहीं महाराष्ट्र में सहयोगी दल शिवसेना भी भूहे चढ़ा रही है। सावरकर के नाम पर सियासत चमकाने वाले शिवसेना तो इस मुद्दे पर इस कदर खफा हुई कि कांग्रेस आलाकमान के सामने राहुल की शिकायत करने का मन बना लिया। मुझे कहते हैं सही बात बोलने के लिए माफी बोलूं, माफी मांगूं। भाइयों और बहनों, मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के इस आक्रामक तेवर ने सियासत में तहलका मचा दिया है। उन्होंने बीजेपी की बखिया तो कई बार उधेड़ी है, लेकिन सावरकर का जिक्र कर माफी से जो मनाही की है उसने बीजेपी को बेचैन कर दिया है। मगर बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस की ही नई नवेली सहयोगी शिवसेना भी सकते में है, इसीलिए तो उद्धव से लेकर संजय राउत तक कांग्रेस को नसीहत दे रही है। सूत्रों का कहना है कि शिवसेना प्रमुख और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राहुल गांधी के सावरकर पर दिए बयान पर आपत्ति जताई है, साथ ही सोनिया गांधी से बात कर सावरकर पर सियासत ना करने की भी सलाह देंगे। उद्धव का कहना है कि ऐसे बयानों से बचा जाए जो गठबंधन में मुद्दा बने। सीएम उद्धव ठाकरे से पहले शिवसेना नेता संजय राउत भी ट्वीट कर सावरकर के सम्मान की बात कह चुके हैं। शिवसेना के राज्यसभा सदस्य संजय राउत ने मराठी में ट्वीट किया कि हम पंडित नेहरू, महात्मा गांधी को भी मानते हैं, आप वीर सावरकर का अपमान मत करो, बुद्धिमान लोगों को ज्यादा बताने की जरूरत नहीं होती। संजय राउत का ये ट्वीट कांग्रेस से उसके टकराव की ओर इशारा करता है। इसकी असल वजह शिवसेना की हिंदुत्व वाली छवि है। दरअसल सावरकर को हिंदुवादी नेता माना जाता है और शिवसेना हमेशा से ही हिंदुत्व की राजनीति कर अपनी रोटियां सेकती आई है, और महाराष्ट्र में तो सावरकर के नाम से उसे हिंदुत्व के साथ मराठा वोट बैंक की सियासत भी करनी है। इसीलिए उसने नई नवेली सहयोगी कांग्रेस को आंख दिखाना शुरू कर दिया ताकि उसकी छवि पर सवाल ना उठ सके। अब भले ही वो हिंदुत्व की सियासत कर रही है, लेकिन इससे उसकी कांग्रेस से दुश्मनी भी बढ़ रही है, जो सरकार को मुश्किल में डाल सकती है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।